तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं पावर बीआई के लिए पिवट टेबल। जैसे कि आप जानते हैं कि पावर बीआई सीखने से पहले हमें पिवट टेबल की भी थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए। सो पिवट टेबल की हमारी क्लास चल रही है। पिवट टेबल में हमने लास्ट क्लासेस में ग्रुपिंग वगैरह शॉर्टिंग वगैरह सिखाया था। आज हम बात करेंगे कैलकुलेशन की कि पिवट टेबल में कैलकुलेशन और बहुत सारी चीजें कैसे होती है। आज की इस क्लास में आपके साथ हम डिस्कस करेंगे, साथ में हम डिस्कस करेंगे लास्ट क्लास की प्रोजेक्ट के ऊपर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की सेशन। तो मैंने अपनी कंप्यूटर स्क्रीन आपको दे दिया है। तो सबसे पहले हम लास्ट क्लास की जो प्रोजेक्ट है उसी प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस करते हैं, उसके बाद आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो हमने आपसे हमने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था। हमने एक तो बता दिया था आपको कि लास्ट डेट है तो इसमें हम किस तरह से निकालेंगे, ओके। दूसरा हमारे सामने था यहाँ पे डेटा जिसमें इन और आउट है और मुझे इस तरह की फॉर्मेटिंग करनी थी। तो पिवट टेबल में इसके लिए कोई बड़ी चीज नहीं है, सिंपल सा है। आप देखें हमने ओके किया। और हमने यहां पे नेम को रखा, हमने इन को यहां कॉलन में रख दिया और फिर राइट क्लिक करके मैं चला गया ग्रुप। तो ग्रुप में हमने इसको डेज वाइज ग्रुप कर दिया, डेज के हिसाब से ग्रुप कर दिया, ग्रुप हो गया। उसके बाद मैंने इनको यहां रखा और आउट को यहां रखा। काउंट आ रहा है, काउंट हम वैल्यू सेटिंग में जाते हैं, काउंट को हम इनको मिनिमम और आउट को मैक्सिमम कर देते हैं। सॉरी, इसको मैक्सिमम कर देते हैं। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं? आप अपना एक्सेल में देखेंगे कि हर एक डेट जो होता है वो आपका नंबर में होता है। तो जैसे कि आपको 10 बजे का डेट, मान लीजिए टाइम की बात करें, तो अगर सुबह 10 बजे का टाइम है और रात के 12 बजे का टाइम है तो दोनों में 12 बजे वाला बड़ा होता है, मतलब कि 24 × 1 नंबर होता है। 24 hours = 1, मतलब कि 1 day। ये कर दिया ना, तो इसलिए थोड़ा सा बड़ा होता है, इसलिए हम यहाँ पे क्या किया, मैक्स कर लिया। तो मीन मतलब सबसे पहले कब आया और मैक्स सबसे बाद में कब लिया। अब मुझे यहाँ ऑप्शन भी है तो राइट क्लिक किया, पिवट टेबल ऑप्शन पे गया। हमने बताया था यहाँ पे हम जीरो के अलावा टेक्स्ट भी रख सकते हैं, तो हमने टेक्स्ट को यहाँ सेलेक्ट किया एंड ओके कर दिया। अब देखिए आपके सामने आ गया, तो मैं यहाँ पे इन लिखता हूं और स्पेस दे देता हूं, आउट लिखता हूं और स्पेस दे देता हूं, हो गया। लेकिन ये जो नंबर इस तरह से आ रहा है इसको सेलेक्ट करता हूं, सेलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक, फॉर्मेट सेल पे जाऊंगा और फॉर्मल सेल पे जाने के बाद हम जाएंगे टाइम में और इसका टाइम का फॉर्मेट जो है ले लीजिए जो फॉर्मेट चाहिए, या फिर अगर यहां से ये फॉर्मेट ले लीजिए या फिर कंट्रोल शिफ्ट एट द रेट भी कर सकते हैं। फिर ये टोटल आ रहा है, मुझे टोटल इसमें नहीं रखना है क्योंकि टोटल का कोई मतलब ही नहीं यहां पे, तो हमने यहाँ पे टोटल हटा दी। और बेटर देने के लिए हमने क्या किया, राइट क्लिक, पिवट टेबल ऑप्शन में गए और यहां हमने मर्ज एंड सेंटर कर दिया, हो गया सर। अब इसमें आप कॉपी करके ले जाइए, पेस्ट कीजिए और इस तरह की आवर कॉलम इंसर्ट करके आवरली रिपोर्ट निकाल सकते हैं। तो समझ में आ गया अजय जी? यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम बात कर रहे हैं आज पिवट टेबल की कैलकुलेशन की। तो चलिए हम पिवट टेबल की कैलकुलेशन के बारे में बात करते हैं। हमने एक डेटा फाइल ओपन कर लिया, डेटा फाइल हमारा ओपन हो गया।
अब मैं इस पे इंसर्ट करता हूँ, ये यहाँ पे सॉरी डेटा हमारे पास, अब मैं इसमें इंसर्ट करता हूँ पिवट। अब मुझे इसमें जैसे कि आपने देखा कि मैंने क्वांटिटी का टोटल यहाँ रख दिया और हमने रीजन का टोटल यहाँ रख दिया, या फिर रीजन में मैं यहाँ पे सेल्स रिप्रेजेंटेटिव का टोटल रखता हूँ कि यहाँ पता चल रहा है कि ये हमारे नंबर्स हैं। अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ यहाँ इनकी परसेंटेज निकालना, मतलब कि यहाँ पे 12,000 इनका टारगेट था, 12,000 क्वांटिटी सेल करना इनकी टारगेट थी, तो मुझे ये पता करना है कि किसने अपना कितना टारगेट अचीव किया, किसने अपना कितना टारगेट अचीव किया। तो कैसे करेंगे, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, अपने डेटा में जाना होगा पहले, और मुझे यहां नीचे टारगेट ऐड करना होगा। हो गया, लेकिन इस पिवट में हमारा टारगेट तो नहीं आया, तो कैसे होगा। तो यहां देखिए क्या है कि पिवट के अंदर में अगर आप डेटा में जो ऑलरेडी डेटा था उसमें किसी तरह का चेंजिंग करते हैं तो ठीक है, लेकिन अगर आपने कोई नया डेटा ऐड किया है, जो पिवट लगा हुआ है वो 504 तक लगा हुआ है, बट आपने नया डेटा डाल दिया 505, अब 505 की इंफॉर्मेशन हमारे इस पिवट के पास नहीं है, तो हमें एनालाइज में जाना होगा और यहाँ चेंज डेटा सोर्स क्या करना है, चेंज डेटा सोर्स, और फिर वापस अपने डेटा सोर्स को दोबारा से सिलेक्ट कर लेंगे, देन ओके। अब इसमें टारगेट आ गया, अब यहाँ टारगेट आया लेकिन हमने क्वांटिटी तो डाली नहीं थी, तो हमने यहाँ क्वांटिटी में 12,000 डाल दिया। अभी 12,000 जो डाला है हमारे क्वांटिटी में, क्वांटिटी नहीं हमारे की डल गए कट करके यहाँ डालता हूँ, ये इन्फॉर्मेशन इसके पास नहीं है, कब आएगी, जब आप इसको रिफ्रेश करेंगे, क्यों, क्योंकि आपने पहले से जो डेटा था उसमें आपने चेंजिंग किया है, आ गया। अब मुझे इस 12,000 से बाकी सब को क्या करना है, डिवाइड करना है ताकि परसेंटेज आ जाए, तो इसके लिए हमें अलग नहीं जाना, हम क्वांटिटी को यहाँ एक बार और रखते हैं। यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि हम वैल्यू फील्ड में एक ही फील्ड को कई बार रख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमने क्वांटिटी को 2 टाइम रख लिया, वैल्यू फील्ड सेटिंग पे गया और हमने सो एज वैल्यू पे आए, नो कैलकुलेशन की जगह पे परसेंटेज ऑफ, परसेंटेज ऑफ में यहाँ हमने टारगेट को सिलेक्ट कर लिया, दैट ओके। अब देखिए हो गई सर परसेंटेज, क्लियर है, हेलो, यस सर। अब जैसे कि और भी क्या क्या कर सकते हैं, तो मान लीजिए मुझे क्यूमुलेटिव टोटल चाहिए, मैंने अपना पिवट लगाया है मंथ वाइज, हमने मंथ को रखा यहाँ पे, मंथ वाइज हमने यहाँ पे क्वांटिटी डाला। अब जैसे कि अप्रैल महीने में आपका ये था, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, हाँ ये फाइनेंशियल ईयर का कटिंग शॉट है, तो मैं जानना चाहता हूँ कि मई अप्रैल और मई का टोटल कितना हुआ, मई और जून का टोटल कितना हुआ, मैं क्यूमुलेटिव टोटल आप देखना चाहते हैं, मुझे ये पता करना चाहिए कि सितंबर तक हमारी टोटल सेल क्या आती साल की, तो मुझे पता चल जाए। तो सेम हम क्वांटिटी को एक बार और इसके नीचे रखते हैं और यहाँ पे जाते हैं वैल्यू फील्ड सेटिंग, तो वैल्यू एज नो कैलकुलेशन को हम लेते हैं यहां पे आपका रनिंग टोटल करके आएगा, रनिंग टोटल आ गया सर। इसमें और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे मुझे ये देखना है, इसमें मैं मंथ हटा देता हूं या इसी परसेंटेज चाहिए मुझे, तो यहां पे रनिंग टोटल परसेंटेज आएगा, देखिए नीचे में
तो ये आपका बता देगा कि भाई अप्रैल में हमारा 8% था, 17%, 25%, 30% होते हुए 100% पे आया। फिर यहाँ अगर आप जाते हैं तो वैल्यू एज में ऐसे और भी बहुत सारे टोटल ऐसे हैं, जैसे कि परसेंट ऑफ ग्रांड टोटल, रो टोटल, पैरेंट टोटल। तो इसके एक बार अपने हिसाब से जो है ना चेक कर लीजिएगा, जो चीज़ आपको समझ में नहीं आएगी वो हम आपको एक्सप्लेन कर देंगे अगली क्लास। ठीक है सर, अजय जी, सारा जी, तो आप एक बार अपने हैंड से देख लीजिए। अब इसमें आगे बढ़ते हैं। अब मुझे निकालना है, हमें कैलकुलेट करना है बिटवीन कॉलम, जैसे एमआरपी और क्वांटिटी है, हमें इसमें टोटल इसमें ऐड नहीं। तो अगर मैं एक्सेल पे जाता हूँ सॉरी, तो यहाँ हमने एमआरपी रख दिया, हमने यहाँ पे क्वांटिटी रख दिया, और मान लीजिए हमने यहाँ पे रीजन रख दिया। तो रीजन वाइज किस एमआरपी पे कितनी क्वांटिटी सेल हुई है ये पता चलेगा। किस एमआरपी नहीं है, टोटल है, समस्त पे एमआरपी है, ये तो गलत हो गया ना, क्योंकि 40 में 40 और 59 होते 40 रुपीज के हिसाब से 59 सेल वैल्यू हुआ है। तो आप यहाँ एवरेज कर दीजिए कि एवरेज 28 रुपये एवरेज पे 5116 हुआ है। तो यहाँ मुझे टोटल चाहिए कि आपकी अमाउंट कितना जनरेट हुआ। मतलब कि अगर हम डेटा में देखना चाहें तो हमें क्वांटिटी और एमआरपी को आपस में मल्टीप्लाई करना होगा। तो हमें डेटा में ना करके हम यहीं पे कर सकते हैं। कैसे? यहाँ पिवट टेबल में कैलकुलेटेड फील्ड, कैलकुलेटेड फील्ड में हम बात करेंगे यहाँ पे टोटल, और यहाँ पे हमने क्वांटिटी को इंसर्ट किया मल्टीप्लाई बाय एमआरपी। ओके, एंड इसको ऐड कर दिया एंड यहाँ ऊपर कर दिया। समझ में आ गया सर? तो लागे मुझे इससे मान लीजिए जीएसटी निकालना है, तो मैं यहीं पे जीएसटी हमने टोटल लिया मल्टीप्लाई बाय 18% एड एनो। मुझे इससे कमीशन निकालना है 2% का, तो अगेन टोटल 2% हमने निकाल दिया कमीशन, ऐड कर दिया एंड ओके कर दिया। फिर इन सबको आपस में टोटल करना है, कैलकुलेटर में जाएंगे और यहाँ पे टोटल और हमने यहाँ टोटल के लिया प्लस जीएसटी प्लस कमीशन, और ये जो टोटल है इस टोटल को हटा देता हूँ, ये टोटल को हटा देता हूँ जी टोटल, और हमने इसको ऐड किया एंड यहां से हमने इसको ओके किया। समझ गया सर? हेलो यस सर, कोई डाउट तो नहीं इसमें? नहीं सर, क्लियर है। अरे जी आपको तो इस तरह से आप पिवट टेबल की कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि क्या सिर्फ हम जो हमारा ये है नॉर्मल कैलकुलेशन है वही कर सकता हूँ? जैसे कि प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, क्या इसी तरह की कैलकुलेशन कर सकते हैं या फिर इसमें कुछ और भी है? क्या हम एक्सेल वर्कशीट फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं? जी हाँ, कॉस्ट अप्लाई कर सकते हैं। जैसे आपने देखा यहाँ राउंड टोटल जो है वो डेसिमल प्लेसेस में है ना, मुझे इसको राउंड करना है। तो राउंड के लिए हमारे पास एक्सेल का राउंड का फॉर्मूला होता है, तो हम एक्सेल राउंड फॉर्मूला यहाँ लगा सकते हैं। यहाँ पे मैं आर टोटल कर देता हूँ, राउंड टोटल, राउंड, और राउंड में हमने यहाँ पे जी टोटल को रख दिया और कॉमा जीरो दे दिया और इसको यहाँ से ऐड करके ओके कर देता,
अब देखिए राउंड फिगर में आ गया। अब यहाँ पे जैसे यहाँ छोटे मोटे राउंड के फॉर्मूले अप्लाई हो सकते हैं या कोई और फॉर्मूला भी, जैसे कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला भी। देखिए यहाँ पे वो सारे फॉर्मूले अप्लाई हो सकते हैं जो नंबर रिटर्न करता हो, क्योंकि इससे कोई टैक्स रिटर्न नहीं आएगा, मत गए, इसमें हमें सिर्फ नंबर ही रिटर्न करेगा, टैक्स रिटर्न नहीं करेगा। समझ में आ गया सर? तो नंबर ही रिटर्न करेगा, टैक्स रिटर्न नहीं करेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने पिवट टेबल पे गए एंड ओके, मैंने क्या किया, रीजन को यहां रख दिया, रीजन है इस बार सेल्स पर्सन रखता हूं, सेल्स पर्सन को यहां रख दिया और हमने यहां क्वांटिटी रख दी। अब मुझे यहां करना है कि जिसने 5000 से नीचे सेल किया है उसको जो है 1000 का इंसेंटिव मिलेगा, ओके, जिसने 5000 टू 10000 को किया है उसको जो है 2000 का इंसेंटिव मिलेगा, और जिसने ग्रेटर देन 2000 किया है 10000 किया है उसको जो है 5000 की इंसेंटिव मिलेगी, ओके। तो इस फॉर्मूला है तो हम यहां लगा सकते हैं, इफ यहाँ पे हम INC कर देता हूँ शॉर्ट फॉर्म इंसेंटिव का, यहां देंगे इफ, और इफ में देते हैं क्या, सम क्वांटिटी, क्वांटिटी इज लेस देन इक्वल टू 5000 तो 1000, फिर अगेन इफ लगाया मैंने और लिखा, लिख देता हूं क्वांटिटी, क्वांटिटी लेस देन इक्वल टू 10000 तो 2000 अदरवाइज 5000, दो इफ है, दो बाय के क्लोज किया और इसको ऐड कर देता हूं एंड आ गया सर। तो यहां पे आप इंसेंटिव जो देंगे ये आपका, या जो भी कैलकुलेशन करेंगे तो सिर्फ नंबर की जो कैलकुलेशन होगी वही यहां पे होगी, नंबर के अलावा कोई कैलकुलेशन यहां पे नहीं है। बात समझ में आ गया आप लोगों को? यस सर। तो हमने आज जो डिस्कस किया वो पिवट टेबल कैलकुलेशन के ऊपर डिस्कस किया, अब इसकी प्रैक्टिस आप कीजिए और मुझे तकरीबन 10 एग्जाम्पल बना के दीजिए, हाँ 10 एग्जाम्पल बना के 10 तरह की कैलकुलेशन करके मुझे भेज दिए सर पिवट टेबल की कैलकुलेशन पार्ट।